जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में शहीद हुए राजीव शर्मा के गांव वैशाली के पटेटी वेलसर के रुसपुर में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इलाके में सभी इस घटना से अस्तम्भ है। गांव में जैसे ही राजीव शर्मा की शहीद होने की खबर आई, उसके बाद से ही पूरा इलाका गमगीन हो गया है और राजीव शर्मा के घर के पास सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जमा हो गए हैं। शहीद राजीव शर्मा के पुत्र आयुष कुमार की उम्र मात्र 8 साल है, जबकि पुत्री की उम्र 11 साल की है। शहीद राजीव शर्मा की पत्नी अंजू शर्मा अपने बच्चों के साथ गांव में ही रहती है। शहीद राजीव शर्मा की विधवा मां गीता देवी भी परिवार के साथ रहती है, जबकि पिता स्वर्गीय प्रेमचंद शर्मा का पूर्व में ही निधन हो गया है। शहीद राजीव शर्मा का भाई संजीव शर्मा भी CRPF में कांस्टेबल है, जो अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत है। परिजनों का कहना है कि देर रात उन्हें राजीव शर्मा के शहीद होने की सूचना फोन पर मिली, उसके बाद से ही पूरा परिवार सन्न रह गया। वैशाली के लाल के शहीद होने की खबर से इलाके के लोग मरमाहत हैं। गौरतलब हो कि कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में शनिवार की शाम CRPF और पुलिस की टीम पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में CRPF के 3 जवान शहीद हो गए, जिनमें राजीव शर्मा भी शामिल थे। राजीव शर्मा की मौत से पूरा गांव गमगीन है। वहीं देश पर प्राण निछावर करने वाले राजीव शर्मा पर गांव के लोगों को गर्व है।